आप गेस कर सकते हैं कि ये किस चीज की सब्जी है। तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, ये आज मैंने बनाई है लौकी की सब्जी। तो लौकी की सब्जी आपने कई बार अपने घर में बनाई होगी, कई बार खाई होगी, जनरली हर घर में बनती है। तो आज मैंने कुछ इस तरह से बनाई है कि जिस घर में लौकी लाना लोग पसंद नहीं करते हैं या बनाना नहीं पसंद करते हैं, तो मैं आपको गारंटी से इस बात को कहती हूँ कि आप हफ्ते की जब सब्जियां लाएंगे तो लौकी लेना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बनी ही कुछ ऐसी है। तो आप देख सकते हैं इतना बढ़िया इसका लुक है, इसका टेक्सचर देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है ना ये, कि मतलब खाने में तो इसका टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो इसको मैंने कुछ खास ट्रिक्स के साथ बनाया है, बहुत ही डिफरेंट टाइप की लौकी बनाई है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, ये लौकी की बहुत ही मजेदार चटपटी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधा किलो लौकी का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ज्यादा इसमें लौकी की जरूरत नहीं पड़ती है, और बाकी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। तो ये मैं 5 से 6 लोगों के लिए बनाऊंगी, तो ये आधा किलो लौकी बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत मतलब पूरी पड़ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं लौकी हमेशा कच्ची लें, और इस तरह से लें कि बहुत ज्यादा मोटी भी ना हो और बिल्कुल पतली भी ना हो। तो ये सीजन में आजकल बिल्कुल सॉफ्ट लौकी आ रही है, तो इस तरह से लें कि जिनके बीज ना पके हों। ठीक है, तो मैंने ये आधा किलो ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पेल कर लेंगे, अच्छे से छील लेंगे। लौकी सॉफ्ट जितनी होगी उतनी अच्छी ये सब्जी बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से छील ली है और उसके बाद वॉश कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पीसेस कट करेंगे। तो पीसेस इस तरह से गोल गोल स्लाइस में मैं काट रही हूँ, तो बहुत ज्यादा इसके मोटे पीस नहीं करने हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बहुत बढ़िया से लौकी कट कर ली है, और इतने करीब ये 1 से 1.5 इंची के इसके पीसेस बनाए हैं चौड़े। ठीक है, इससे ज्यादा आप मत कीजिएगा, वरना बहुत मोटे होंगे तो फिर बहुत मजा नहीं आता है। तो ये थोड़ा इस तरह से ही बनाइए, बहुत ज्यादा पतले भी मत कीजिए और बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं, बहुत हल्का सा मिलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है अभी, क्योंकि बाकी सब्जी में भी इसमें लगेगा। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत कम थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिए, और बहुत 1/4 से भी कम मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाला है, बहुत थोड़ा सा इसमें हल्दी डाली, धनिया पाउडर डाला है। ठीक है, और ये डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बेसन ऐड करूंगी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इस समय नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, या तो आप इसको हाथ से मैश कर लीजिए, और या फिर इस तरह से एक स्पैचुला लीजिए, उससे ऊपर नीचे कर लीजिए। ये बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है हमने, इस सारे मसाले की और बेसन की इसमें हमने कोटिंग करनी है, बहुत बढ़िया से ये मिक्स होना चाहिए। तो एक लेयर सी इसमें बननी चाहिए उसकी, मसालों की और ये बेसन की ना। तो इसको अभी हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हो चुकी है, और ये बहुत बढ़िया से। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ को। तो गैस में मैंने एक तवा रख दिया है, और तवे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आधी आधी चम्मच करके सिर्फ 1 चम्मच ऑयल इसमें डाला है, तो 2 बार डाल दिया है। इसको अब हम गर्म होने देते हैं, और इसको अच्छे से पहले स्प्रेड कर लेते हैं, बहुत अच्छे से फैला लीजिए। तो बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसी बीच हम क्या करेंगे, ये लौकी के पीसेस को एक एक करके इस तरह से यहाँ पे रखते रहेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इनको हमको हल्का हल्का क्रिस्प करना है, हल्का हल्का कुक करना है। ये जो बेसन लगा है ना, बस इस बेसन को क्रिस्प होने तक इनको कुक करना है। ये बनने के बाद इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि बस क्या कहने। जिस घर में बच्चे बड़े अगर कोई नहीं भी पसंद करते हैं, तो भी इसे वो बिल्कुल बहुत पसंद करके इसको खाएंगे। तो इसी तरह से ये सारे हम पीसेस को इसमें रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे जो लौकी के पीसेस हैं उनको रख दिया है, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो टू मीडियम में रखा है। तो हाई मत कीजिएगा, वरना ये सिकेंगे नहीं बहुत अच्छे से, ठीक है, जल जाएंगे। तो ये देखिए बहुत हल्के हल्के से ये सिकने लग गए हैं। तो इसी तरह से हम इन्हें पलट लेंगे, बहुत बढ़िया से ये क्रिस्पी हो रहे हैं देखिए, और इसी तरह से इसको हम दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये तैयार हो गए हैं, है ना।
ये दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो इन्हें भी मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको एक प्लेट में उतार लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। इसी तरह से तो लौकी मेरी एक तरफ से क्रिस्प होके रख चुकी हूँ मैं उसे, और यहाँ पे मैंने गैस में प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहे इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो कुकर में बना के बहुत ज्यादा बेस्ट आता है। तो चलिए अब क्या करते हैं, कुकर में हम डालते हैं ऑयल। तो ऑयल में अगर आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इस ऑयल में बहुत ज्यादा यमी बनती है। और साथ ही साथ हम इसमें ये 1/4 टीस्पून करीब मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। तो हींग डाइजेशन और टेस्ट दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हींग यहाँ पे जल चुकी है, और अब हम यहाँ पे आधा चम्मच करीब जीरा डालेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जीरा चटक रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने लहसुन को बिल्कुल फाइन चॉप करके रखा हुआ है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं इस तरह से। ऑयल आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम इसमें ऑयल डाला है, और ये कम ऑयल में ही बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। तो ये अच्छे से भून रहा है ना, वो मीडियम साइज के कट करके रखे हैं। और लहसुन मैंने एक गांठ पूरी ली है, तो लहसुन और साथ में आप अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए ये देखिए मैंने इस तरह से फाइन चॉप करके यहाँ पे लहसुन और प्याज दोनों ही ले रखे हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया से, अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से पहले सुनहरा सा भूनने देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्याज सुनहरा सा मैंने भून लिया है, लाइट ब्राउन सा हो गया है, गोल्डन ब्राउन सा। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया है। तो इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी बीच इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसालों में सबसे पहले मैंने आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच करीब से थोड़ा सा कम, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, और ये 1/4 टीस्पून करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आधी चम्मच ही नमक डालूंगी, ठीक है। और अब हम इसको बहुत अच्छे से पहले भून लेते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, और ये मसाला भून गया है ना, तो गैस की फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे कम कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ा सा मलाई फेंट के रखी हुई है, तो ये 2-2.5 चम्मच करीब है, तो ये मैं इसमें इस समय ऐड कर दूंगी और इसको फटाफट हिलाऊंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से फटाफट इसको हिलाएंगे। और बहुत हल्का सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मलाई गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा, तो ये अगर हिलाएंगे नहीं तो ये फटती जाएगी, तो इसलिए इसको हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मलाई की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत यमी उसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने इसमें सारी मलाई इसमें ऐड कर दी है, और अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बुलबुले से उठने लग गए हैं, इसका मतलब है ये कुक होने लग गया है ना। और इसी बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटो लिए हैं, उसकी मैंने प्यूरी सी बना रखी है, तो वो इसमें डाल देंगे। और अब इनको बहुत अच्छे से हम कुक करेंगे, जब तक कुक करेंगे जब तक ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको पहले आप कुक कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया से ऑयल रिलीज हो चुका है, और आप इसका मसाला देख सकते हैं, इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है ना कि बस क्या कहने। और अब ये मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी बीच ये सारी लौकी के जितने भी पीसेज हैं उसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इस सारी लौकी के पीसेज हम इसमें डाल देंगे। और इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है इस समय, बस। और बहुत ही हल्का सा ये टमाटो वाली बाउल से ही मैंने जो पानी लिया था वही इसमें डालेंगे, बहुत ज्यादा इसमें ग्रेवी नहीं करेंगे। और अब हम इसको ढक लगा के रख देंगे, ये तो हमने ढक लगा दिया है, और सिर्फ एक विसल इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये 80% कुक हो चुकी है लौकी, और मसाला सब पका हुआ है, तो सिर्फ इसमें हम एक विसल लगाएंगे। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे विसल निकल चुकी है, और एक विसल के बाद मैंने इसे बंद कर दिया था, तो चलिए अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए वाव, कितने बढ़िया से इसमें धुआं उठ रहा है, और आप इसका लुक देखिए, मैंने बिल्कुल इसे हिलाया नहीं था उस समय,
और ये देखिए कितने बढ़िया से इसका मसाला बनके रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये कितनी लाजवाब बनी है, कौन कहेगा ये लौकी की सब्जी है। बिल्कुल इतनी बढ़िया बनी है ना, ऐसा लग रहा है कि बस जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में होती है ना, एकदम मसालेदार मजेदार। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। कभी कोई घर में गेस्ट आ जाए या कभी खुद ही कुछ मजेदार सा खाने का मन करे, और बच्चे, मैंने जनरली देखा है लोगों के घर में बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, कई घर में तो बड़े भी नहीं खाते हैं, तो अगर आप इस तरह से उन्हें लौकी बना के खिलाएंगे तो वो मजाल नहीं है कि आपको मना कर दें कि आज हम लौकी नहीं खाएंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से ये बन के रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। तो ये देखिए बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है ना। अब हम इसे धनिए से करेंगे गार्निश। तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आया है, और जो लौकी नहीं भी खाते हैं वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और आपसे मांग मांग कर खाएंगे, ये गारंटी है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।